गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में आज हम लोग देखेंगे जो मैं हॉलीफेथ की बुक क्लास 6 के लिए करवा रहा हूँ, उसको देखें बेटा आप लोग। ये मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3। देर आर टू सम्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सम्स के 1, 1, 2, 2 सम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यू सी ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3। हमने आपको पहले भी बोला है कि आपको मैं पूरे इस लॉकडाउन के टाइम में आपका मैथ्स पूरा करवा दूंगा, और आप लोग का भी यूनिट टेस्ट होना है क्लास 6 के प्रोजेक्ट। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, यूट्यूब पर जाना है। पेरेंट्स भी इस पर थोड़ा ध्यान दें, यूट्यूब पर जा करके स्पोकन इंग्लिश बाई सफलता को आपको लिखना है और सर्च करके उसको लाइक सब्सक्राइब करना है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बच्चे की और आपके नवनिहाल के पूरा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे वीडियो पर आते हैं। तो देखें बेटा, इसमें जो फर्स्ट जो सम्स हैं आप लोगों का, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट वैल्यू मतलब लगभग आप लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यू को एज्यूम करना है, मानना है और उसका प्लस करना है। जैसे जस्ट लाइक फर्स्ट सम्स यहाँ पर दिया है 830 प्लस 898। अब इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो ये देखें बेटा आप लोगों का 833 का एज्यूम वैल्यू कितनी होना चाहिए इसकी, तो ये होगी 800। ओके, 898 की एज्यूम वैल्यू होगी आपकी, ये 900 के नज़दीक है, नियर अबाउट। तो इसको हम लोग 898 को हम लोग यहाँ पर 900 एज्यूम करेंगे, और दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। तो जीरो तो जीरो, जीरो में जीरो ऐड किया जीरो, 8 और 9 17, तो 1700, दिस इज वर आंसर। ये एस्टिमेट वैल्यू। अब आप लोग एक्चुअल वैल्यू का ऐड किस तरीके से करेंगे, ये आप लोगों को एक्चुअल ऐड करना आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से, आप लोगों को प्लस करना बहुत अच्छे से आपको आता है ना। सो एस्टिमेट वैल्यू का नेक्स्ट डी वाले सम को देखें बेटे हम लोग, इसी का डी वाले सम हम लोग कर रहे हैं। इसमें लिखा है 31, 10, 100, 1000, 10,000। तो 38,292 माइनस 31,496। अब इसका एक्चुअल डिफरेंस आपको पता है कैसे माइनस करेंगे, इसका एस्टिमेट डिफरेंस में करके आप लोगों को बता रहा हूँ। सो सी ऑन द बोर्ड, 38,292 का इसका एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को क्या मानना है, तो आप देख सकते हैं। तो ये होना है बेटा 38,292, मतलब ये 92 किसके, 100 के नज़दीक। तो 292 को हम लोग 300 लिखेंगे, एस्टिमेट मानेंगे इसको। देन 31,496 का एस्टिमेट होना है आपका, 496 मतलब ये 100 के नियरेस्ट है, मतलब उसको 500 मानेंगे हम लोग। तो ये होना है बेटा 31,500। लेस करना है आपको, सब्ट्रैक्शन, हाउ टू इट पॉसिबल, कैसे संभव होगा। सो लेट अस डू इट। जीरो में जीरो को माइनस किया जीरो, जीरो का जीरो माइनस होगा, थ्री को माना 30, 30 में 5 जाएगा, लेस करेंगे 8, कैरी 1, 2 होना है, 8 में से 2 लेस करेंगे 6, 3 में से 3 को लेस किया जीरो या क्रॉस, तो 6,800 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लें बेटा आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, टू वाले क्वेश्चंस में देर आर 4 सम। तो फर्स्ट वाले सम्स को हम लोग करना है हम लोग को, देखें आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले ये फर्स्ट, उसके पहले हम लोग डी वाला करेंगे। इसके हम लोग इसको ये करना है किस तरीके से होना है, देखें बेटा इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है, देखें आप लोग। ओके डी, ओके माइनस करना है, तो देख लें बेटा आप लोग, ये दिया है यहाँ पर, गिव अ रग एस्टिमेट एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट, मतलब आपको इसका इसके कितना नज़दीक है उससे आपको डिफरेंस करना है। तो देखें बेटा आप लोग, ये लिखा हम लोगों ने 4,98,348, एस्टिमेट वैल्यू कितनी होना है इसकी देख लें आप लोग। तो ये होना है आपका 4,98,340, तो ये ऐसे ही होना है 4,98,000। अब 348, तो 348 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 348 जो है
ये किसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 300, क्योंकि ये 50 से कम है ना, लेस है। तो 4,98,348 को लिखेंगे हम लोग 300। ओके, देन नेक्स्ट 57,000, इसको देख रहे हैं हम लोग 57,365। तो हाउ टू राइट, तो ये लिखेंगे हम 57,000 और 365। अब 365 को हम लोग किसके नियरेस्ट है, 100 के, मतलब 400 में ले जाएंगे। तो इस 365 को लिखेंगे 57,400। ओके, देन माइनस करना है हमको, हाउ टू इट, वी विल ट्राई। जीरो में जीरो को लेस किया, जीरो जीरो में जीरो लेस किया, जीरो थ्री को माना 13, 13 में से 4 को लेस किया 9, कैरी 1 है ना, 8, 8 में से 8 को लेस किया 0, 9 में से 4 को ऐड किया, सॉरी 8 में से 8 को लेस किया 0, 9 में से 5 को लेस करेंगे 4, 4 में से 1, ठीक है ना, ओके, 9 में से 5 4 और 4 के 4 4, तो देयर आर 4,40,900, दिस इज योर आंसर। जस्ट लाइक इस टाइप से आप लोगों का आंसर्स होना है। तो ये जो हम लोग की जो एक्सरसाइज थी, इसको हम लोगों ने करने का प्रयास किया। लास्ट सम इसका जो बचा है 2 का है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखें आप लोग इसको किस तरीके से एस्टिमेट करना है हम लोगों को, 539,284,4,370। इसको जब भी हम ऐड करते हैं तो लार्जेस्ट नंबर को हम लोग अबव करते हैं, अबव राइट। तो देखें आप लोग 4,370 नियरेस्ट होना है आपका, 4,300 में लेके होना है इसको, 4,300 होना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसको हम लोग आगे लेकर के जाना है, तो वो कैसे हो जाएगा आपका 539, तो ये इसको 539 और किस तरीके से, तो ये होना है आपका 500 में होना है, क्योंकि 50 से लेस है। 234 का नियरेस्ट होना है, 200 होना है इसका, ओके। अब इसको हम लोगों को क्या करना है बेटा, ऐड है ना। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। ये अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को बताया है, अब किस तरीके से ऐड होना, कैसे माइनस, ये हम लोग बता चुके हैं। तो आप इसका आराम से बहुत इजी वे में है, तो कि आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये इस तरीके से हमने करके बताया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग की ये 1x3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं फिर चाहूँगा, यूट्यूब पर जाएँ, स्पोकन इंग्लिश भाई सफलता को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।